खबर अमरोहा से है। कारखाने में आग से हड़कंप की खबर मिल रही है। बताया जा रहा शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग से लाखों के नुकसान का भी अंदाजा लगाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। अमरोहा के बिजनौर रोड पर यह कारखाना मौजूद है जिससे आग की खबर मिल रही है। आपको बताएं आग से काफी नुकसान हुआ है। आग की वजह फौरी तौर पर लोग शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। बड़ी खबर अमरोहा से, आग से लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है, आग को बुझाया जा रहा है। लेकिन इस दरमियान ये देखिए तस्वीरें, देखिए आप कारखाने के भीतर आग की तस्वीरें, काला धुआं, आग की लपटें कारखाने के भीतर से। जब तक इस आग पर काबू पाया जाता काफी नुकसान हो चुका था। शुरुआती तौर पर लोग कह रहे हैं कि लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद, आग को बुझाने की कोशिश। लेकिन कारखाने की आग की तस्वीरें बताती हैं कि इतना आसान नहीं है इस आग पर काबू पाना। काला धुआं, आग की लपटें, ये कारखाने के भीतर। जब फायर ब्रिगेड पहुंच गया, आग पर थोड़ी काबू पाने की कोशिश की जाती है, उस वक्त की है। फिलहाल बताया जा रहा है आग पर काबू पाने की कोशिश, लेकिन इससे लाखों का नुकसान हुआ है। कारखाना जिसकी तस्वीरें आपके सामने है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। और आगे बढ़ते हैं खबर के साथ, जहां केदारनाथ धाम पहुंचे बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना की और उन्हें देखते ही श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी हो गई। तो देखिए अक्षय कुमार ने भी बाबा के दर पर हाजिरी लगाई, मत्था टेका, टीका लगाया, आशीर्वाद लिया। लेकिन ये बात और थी कि जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकले, बाबा के दर पर आए बाबा के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बोनस था। उन्होंने भी अक्षय कुमार को देखते ही अपने फोन के साथ सेल्फी लेने की कोशिश शुरू कर दी। और आप अंदाजा लगाइए हर हर महादेव की गूंज जहां परिसर में हमेशा रहती है। लेकिन लोगों के भीतर एक गजब का उत्साह बढ़ गया जब खिलाड़ी कुमार कहे जाने वाले अक्षय कुमार उनके बीच आ गए और उन्होंने भी हाथ जोड़ करके अपने फैंस को नमस्ते किया, उनका अभिवादन स्वीकार किया। और देखिए किस गेटअप में नजर आए अक्षय कुमार, टी शर्ट, उसके ऊपर पटका, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर टीका। उत्तरकाशी से खबर है, अचानक मौसम ने करवट ली है। बारिश और ओलावृष्टि से मौसम बदल गया है। मौसम बदलने से किसानों को भारी नुकसान की खबर मिल रही है। देखिए उत्तरकाशी से मौसम बदलने की खबर मिल रही है और इससे किसानों को निराशा। बारिश और ओले की वजह से किसानों की नकदी जो फसलें हैं वो इस वक्त नुकसान के दायरे में जा रही है। इसके साथ ही आने वाले सीजन के लिए जो पौध उगानी थी, जो फसल की तैयारी करनी थी, उसके लिए भी नुकसान की खबर मिल रही है। तो चाहे सब्जियां हो, नकदी फसल हो, उनके लिए ये बारिश ठीक नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।